हेलो अरुण, जैसे आप टाइटल देख ही चुके होंगे, आज की इस वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ वाला इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट यूजफुल रहने वाले हैं। इसलिए हम वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और थोड़ा सा ध्यान समझना है, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच क्रॉप इज कॉमनली नोन एज सिंगल सीडेड नट। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि सिंगल सीडेड नट के नाम से किसे जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है यार, अगर आप पूछ लिया सिंगल सीडेड नट तो ये बोला है लीची को। किसे जाना जाता है यार, हाँ सिंगल सीडेड नट के नाम से ये जाना जाता है लीची को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लीची इज कॉमर्शियली प्रोवाइज्ड बाई, अर्थात यहाँ लीची का प्रबंधन किसके द्वारा होता है। तो ये किया जाता है एयर लेयरिंग और सीड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, दोनों से होता है। लीची का जो प्रोपेशन किया जाता है, जो प्रबंधन किया जाता है, ये किया जाता है एयर लेयरिंग के द्वारा और सीड के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उठते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, रेड पिगमेंट इन लीची इज ड्यू टू, अर्थात यहाँ जो लीची होती है रेड क्यों होती है, किस पिगमेंट के कारण होती है। ठीक है, यानी किस पिगमेंट की उपस्थिति या फिर किस वर्ण के कारण होती है रेड, तो ये होती है एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण। किसके द्वारा होती है, एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण लीची लाल होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सपोटा इज ग्रोन इन, अर्थात यहाँ इस यहाँ पर आपसे क्लाइमेट के बारे में पूछा गया है। तो आपको पता होगा जो चीकू होता है, जो चीको होता है, जो सपोटा होता है, तो इसे किस क्लाइमेट में लिया जाता है, इसे लिया जाता है यहाँ ट्रॉपिकल क्लाइमेट में लिया जाता है। ठीक है, अगर बात करते हैं चीकू, तो चीकू को वहाँ पर ग्रो किया जाता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कॉमर्शियली प्रोपोजिशन मेथड ऑफ सपोटा, अर्थात चीकू का जो प्रवर्धन किया जाता है, जो प्रोपोजिशन किया जाता है, किस मेथड के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ अगर बात करते हैं सपोटा का प्रोपेजेशन, तो इसका जो प्रबंधन किया जाता है, ये किया जाता है इनार्चिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर आपसे सपोटा के बारे में पूछता है तो इनार्चिंग, और अगर आपसे पूछ लिया जाता है लीची का, तो लीची का जो प्रोपेजेशन किया जाता है, ये किया जाता है एयर लेयरिंग और सीड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ऑफ सपोटा, अब यहाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और सपोटा से लगभग जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है यार, हाँ वेराइटी से ही पूछा जाता है। इसलिए यार, हाँ अगर आपसे पूछ लिया जाता है सपोटा की मोस्ट पॉपुलर वैरायटीज बताइए, तो कौन कौन सी होती है, काली पत्ती हुई, पीली पत्ती हुई, ओवल हुई, और क्रिकेट बॉल हुई, छतरी और बारहमासी हुई। ठीक है, यहाँ पर आपको एक का जरूर याद रखना है, क्रिटिकल बॉल। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इसे कि जो क्रिकेट बॉल होती है ये किसकी होती है। ठीक है, ये दोनों टाइम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आपको ऑप्शंस में देखने को मिल रहा है कि क्रिकेट बॉल, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो चीकू की वेरायटी बताइए मोस्ट पॉपुलर, तो राइट आंसर कौन सा होगा, क्रिकेट बॉल। वैसे यार, हाँ ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो क्रिकेट बॉल है ये किसकी वेरायटी होती है। ठीक है, याद है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, क्रिकेट बॉल किसकी वेरायटी होती है, तो ये होती है सपोटा की होती है, चीकू की होती है। किसकी होती है, सपोटा या चीकू की होती है। इसके अलावा इनको भी आपको ध्यान रखना है कि यार, हाँ काली पत्ती हुई, पीली पत्ती हुई, ओवल हुई, छतरी हुई और बारहमासी हुई, ये सभी किसकी वेरायटी होती है, ये सभी यार, हाँ सपोटा की ही वेरायटी होती है। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, सी ओ फर्स्ट इज ए क्रॉस ऑफ, अर्थात यहाँ जो सी ओ फर्स्ट वेरायटी होती है, तो ये किसके क्रॉस से प्राप्त की गई थी, तो ये प्राप्त की गई थी क्रिकेट बॉल मल्टीप्लाई, अर्थात यार जो संकर किया गया था इसे ओवल के साथ क्रॉस करने पर सी ओ वेरायटी को प्राप्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोटेनिकल नेम ऑफ मंकी नट, अर्थात मंकी जैक, सॉरी यहाँ पर आपको दे रखा है मंकी जैक, तो यहाँ मंकी जैक किसे बोला है, उसका बोटेनिकल नेम बताइए, तो किसे बोला है यहाँ, ये बोला है ओटोकार्पस हेटरोफिलस को बोला है। किसे बोला है यहाँ, ओटोकार्पस हेटरोफिलस को बोला है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है मंकी जैक, तो मंकी जैक क्या होता है, ओटोकार्पस हेटरोफिलस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है यार, हाँ कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि जैक फ्रूट इज कॉमर्शियली प्रोपोजिट बाई, अर्थात इसका जैक फ्रूट है, अर्थात यार हाँ जो जैक फ्रूट होता है, ठीक है, कटहल होता है, तो इसका प्रोपोजिशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका किया जाता है एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कटहल होता है, तो इसका प्रोपोजिशन किसके द्वारा किया जाता है, एयर लेयरिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पॉपुलर वैरायटी ऑफ जैक फ्रूट, तो कौन कौन सी होती है, ऐसे आप देख लीजिए कि रुद्राक्षी हुई, सिंगापुर हुई, चंपा हुई। ठीक है, अगर आपसे जैक फ्रूट की पूछा रहा है, तो जैक फ्रूट की कौन कौन सी वेरायटी होती है, चंपा हुई, रुद्राक्षी हुई, सिंगापुर हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आंवला इज कॉमर्शियली प्रोपोजिट बाई, अर्थात आंवले का प्रोपोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो आंवले का जो प्रबंधन किया जाता है, ये किया जाता है इनार्चिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि आंवले का प्रोपोजन किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है इनार्चिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इजीली याद हो जाएंगे, इसमें कोई समझने की खास बात है नहीं, तो जल्दी से इन्हें क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि आपके टाइम की बचत हो और शॉर्ट टाइम में अधिक क्वेश्चंस को हम सोल्व कर पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द पॉपुलर वेरायटी ऑफ आंवला, तो आंवला की मोस्ट पॉपुलर वेरायटीज़ के बारे में बताइए, तो कौन कौन सी होती है, बारहमासी हुई, कृष्णा हुई, शाकिया हुई,
ये चकैया है, ठीक है, ये क्या है, चकैया होती है। ओके, हाथी झूल और कंचन और एने सेवन या नाइन हुई, ठीक है। एन ए का मतलब होता है नरेंद्र आंवला, क्या होता है यार, हाँ एन ए होता है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है ये होती है नरेंद्र आंवला, अर्थात नरेंद्र आंवला सेवन और नरेंद्र आंवला नाइन। किसकी वेरायटी होती है, आंवले की वेरायटी होती है, ठीक है। एक और बात देख लीजिए, अगर आपसे पूछ लिया ऐसा है कि पॉपुलर वेरायटी बताइए आंवले की, तो कौन कौन सी होती है, बनारसी हुई, कृष्णा हुई, चकैया हुई, हाथी झूल हुई और कंचन और नरेंद्र आंवला सेवन और नाइन हुई, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मोस्ट वाइडली यूज ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ आंवला, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पूछा गया है ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में। ट्रेनिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा, एक होता है सेंटर, एक होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम और एक होता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया आंवले के बारे में, तो आंवला में पूछा गया है आंवला का कौन सा लिया जाता है, अर्थात सबसे ज़्यादा किसको अप्लाई किया जाता है, कौन से मेथड को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है आंवले में, तो ये लिया जाता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम, ठीक है। इसमें दोनों का ही मिक्सर होता है, दोनों के टाइप में ही उसे एक तो कटिंग उसकी कटिंग भी की जाती है, जिससे क्या होगा कि पेड़ अधिक लंबा भी नहीं हो और वो दृढ़ भी बन जाए। इसलिए यहाँ किस मेथड को अप्लाई किया जाता है आंवले में, ये लिया जाता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम को लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है पुअर, सॉरी यहाँ पर आपको पूछा गया है बेर इज आल्सो नोन एज, या फिर बेर इज कॉमनली नोन एज, तो यार हम बेर का जो अदर नेम होते हैं, सब नेम होते हैं, तो इसके क्या नाम होते हैं, तो आप देख सकते हो पुअर मैंस फ्रूट होता है और किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स होता है, अर्थात यहाँ जो ड्राई, ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है एरिड क्षेत्रों का जो फल माना जाता है, या फिर एरिड जो फ्रूट्स होते हैं उनका किंग किसे माना जाता है, ये माना जाता है बेर को माना जाता है। और अगर बात की जाए गरीब लोगों का जो फल होता है ये भी किसे बोला जाता है, ये बोला जाता है बेर को भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचे द कॉमर्शियली कल्टिवेटेड वेरायटी ऑफ बेर, अर्थात यहाँ सबसे ज़्यादा जिससे वेरायटी को ग्रो किया जाता है, तो वो बताइए वेरायटी कौन सी है, तो कौन सी होती है, उमरान होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाता है उमरान क्या होती है, तो यहाँ उमरान क्या होती है, एक लेट सोविंग वेरायटी होती है, ठीक है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा भी गया है कि उमरान क्या होती है, यहाँ लेट सोविंग वेरायटी होती है और किसकी होती है, ये होती है बेर की होती है। अब बात करते हैं यार अर्ली वेरायटी ऑफ बेर, तो कौन सी होती है, अर्ली वेरायटी में अगर बात करते हैं तो ये होती है सेब होती है। कब होती है यार, हाँ अगर आप उस लिए अर्ली वेरायटी बताइए सेब की, तो कौन सी होती है, सेब होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों टाइप में आपको देखने को मिलता है, एक तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसमें पूछा गया अर्ली वेरायटी बताइए बेर की, सेकेंड क्वेश्चन इससे बनता है कि सेब किसकी वेरायटी होती है, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सेब किसकी वेरायटी होती है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो ये किसकी होती है, हाँ सेब, तो ये क्या होती है, बेर की होती है, ठीक है। इलायची और बे सेव होता है, ये दोनों ही किसकी होती है, बेर की ही होती है। इलायची भी यार हाँ किसकी होती है, सेव की ही होती है, सॉरी बेर की ही होती है, ठीक है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, थोड़ा सा माइंड अपसेट है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन क्लास लगाना ज़रूरी था। यानी अर्ली वेरायटी ऑफ बेर, तो अर्ली वेरायटी कौन सी होती है, बेर की, ये होती है सेव। और इसके साथ साथ आपको याद रखना इलायची के बारे में, ठीक है, इलायची भी किसकी होती है, बेर की ही वेरायटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेस्ट टाइम फॉर प्रोनिंग ऑफ बेर, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा है प्रोनिंग के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपने कई बार सोल्व कर रखा है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बनता है कि प्रोनिंग ऑफ बेर, तो इसका टाइम होता है एंड ऑफ मई टू मिड जून, अर्थात यहाँ की जो मई के अंत से जो जून होता है तो उसके मध्य तक की जा सकती है, ठीक है। जो प्रोनिंग का सबसे बेस्ट टाइम आना है वो कौन सा होता है, ये होता है एंड ऑफ मई टू मिड जून। इसके साथ साथ आपको एक और याद है जो ग्रेप्स का पूछा जाता है, तो ग्रेप्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ ग्रेप्स में जो प्रोनिंग की जाती है इसका टाइम क्या होता है, इसका टाइम होता है जनवरी मंथ, ठीक है। अगर आपसे ग्रेप्स के बारे में पूछा जाता है, तो जो ग्रेप्स होता है इसके जो प्रोनिंग टाइम होता है ये क्या होता है, जनवरी मंथ होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है बेर, तो बेर का जो प्रोनिंग टाइम होता है, बेस्ट टाइम होता है, ये क्या होता है, एंड ऑफ मई टू मिड जून होता है, ठीक है। दोनों याद रहेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बेर फ्रूट्स आर मैच्योर्ड एट, अर्थात यानी कब पक जाते हैं, एंड कि जब यानी जो ये पक जाते हैं तो उसकी स्टेज क्या होती है, फिर कितने टाइम लग जाता है इनको पकने में, तो इनको लग जाता है यार हाँ 5 से 6 मंथ आफ्टर फ्लावरिंग, अर्थात यार हाँ इनमें फूल आने के 5 से 6 मंथ बाद में ये पक जाते हैं, ठीक है। बेर कब पक जाते हैं, यानी इनमें जब फ्लावरिंग आती है उससे लेकर 5 से 6 महीने तक ये पक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B2, तो यहाँ विटामिन B2 का कौन होता है, बेल होती है, ठीक है। कौन सा होता है यार, हाँ रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी, अर्थात यहाँ विटामिन B2 सबसे ज़्यादा किसमें पाया है, बेल में पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन बेल, अर्थात यहाँ पर जो मान लीजिए आप कोई सा भी जो होता है कैसे होता है एक्टिव विनेगर, यहाँ पर आपसे पूछा गया सक्रियता तो क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द मोस्ट आइडियल स्टेज ऑफ बेल फॉर मेकिंग प्रिजर्व, अर्थात यहाँ इसका जब संरक्षण किया जाता है, इसकी जो मोस्ट आइडियल, आइडियल का मतलब होता है ना सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है, तो अभी इसे प्रिजर्व कर लिया जाता है। तो यहाँ अगर आपसे पूछा है बेल का जो प्रिजर्व किया जाता है ये सबसे बेस्ट स्टेज कौन सी होती है, तो ये होती है मैच्योर ग्रीन स्टेज होती है,
कब इसे प्रिजर्व कर दिया जाता है, इसे कर दिया जाता है मैच्योर ग्रेन स्टेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पारस इज ए वेरायटी ऑफ, तो पारस किसकी वेरायटी होती है, ये होती है जामुन की होती है। किसकी होती है? जामुन की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सीडलेस वेरायटी ऑफ जामुन, तो कौन सी होती है? नरेंद्र जामुन सिक्स होती है। कौन सी होती है यहाँ सीडलेस वेरायटी जामुन की? ये होती है नरेंद्र जामुन सिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द कमर्शियली प्रोवर्जन मेथड ऑफ पाइनएप्पल, तो यहाँ पाइनएप्पल का जो सबसे ज़्यादा जो प्रोवर्जन किया जाता है, ये कैसा है? सकर्स और स्लिप्स के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ पाइनएप्पल का जो प्रोपोजिशन किया जाता है, ये कैसा है? सकर्स या स्लिप्स के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है पाइनएप्पल का जो प्रोवर्धन किया जाता है, जो प्रोपोजिशन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये स्लिप्स के द्वारा किया जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं देखने को नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ स्लिप्स आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में आपको स्लिप्स जरूर देखने को मिल जाएगा, सकर्स आपको मिले या नहीं मिले, लेकिन स्लिप्स आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक बेस्ट क्वेश्चन बनता है ये। कई बार आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है कि जो पाइनएप्पल है, इसका प्रोपोजिशन किसके द्वारा किया जाता है, ये कैसा है? स्लिप्स या सकर्स के द्वारा कैसा है, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है सिंगापुर मेरेशियन जी एंड क्यू आर द वेराइटी ऑफ, ये किसकी वेरायटी होती है? तो ये होती है यहाँ सभी जो वेरायटी होती है यहाँ पर दे रखी है पाइनएप्पल की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है द एंजाइम कंटेंट इन पाइनएप्पल फ्रूट, तो यहाँ एंजाइम जो कि यहाँ पाइनएप्पल में पाई जाता है, वो कौन सा होता है? ब्रोमेलिन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि पाइनएप्पल में कौन सा कंटेंट होता है, कौन सा ये होता है? एंजाइम कंटेंट होता है, तो कौन सा होता है? ब्रोमेलिन होता है। कौन सा होता है यार, हाँ पाइनएप्पल में एंजाइम कंटेंट ये होता है? ब्रोमेलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है द केमिकल यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग फ्लोरिंग इन पाइनएप्पल, अर्थात यहाँ पर आपसे पूछा गया पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लोवर यानी फ्लोवर इंड्यूसिंग का मतलब होता है जो पुष्प लगते हैं, तो पुष्प क्रिया जो लगती है, अर्थात पुष्प की जो लगने की अवस्था होती है, उसे प्रेरित करने के लिए किस हार्मोन या फिर किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, किस केमिकल का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ फ्लोवरिंग इंड्यूसिंग, फ्लोवरिंग को प्रेरित करने के लिए ये किया जाता है यहाँ इथिल या नाइट्रिक एसिडिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इंड्यूसिंग, अर्थात फ्लोवर को इंड्यूस करने के लिए अर्थात प्रेरित करने के लिए ये किया जाता है इथिल और नाइट्रिक एसिडिक एसिड का किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है क्वीन ऑफ टेम्परेट फ्रूट, तो यहाँ अगर आप सोचा है टेम्परेट फ्रूट, तो इसका क्यों नहीं बोला जाता है एप्पल को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? एप्पल बाउल ऑफ इंडिया, तो एप्पल बाउल किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम पूछा भी गया है, तो याद हाँ एप्पल बाउल किसे बोला जाता है? ये बोला जाता है हिमाचल प्रदेश को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है एप्पल इज कॉमर्शियली प्रोपोजिड बाई, अर्थात यहाँ एप्पल का जो प्रवर्धन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है टंग ग्राफ्टिंग और फिफ्थ डिवाइडिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? एप्पल का जो प्रोपोजिशन किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है, ये किया जाता है टंग ग्राफ्टिंग और वीव बडिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कि रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू, तो यहाँ रेडनेस होती है जो एप्पल में, ये किसके द्वारा होती है? ये होती है एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण होती है। किसके द्वारा होती है रेडनेस इन एप्पल? तो ये होती है यहाँ एंथोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेलिशियस रोम ब्यूटी एंड पार्लिंस ब्यूटी, ये क्या होती है? ये होती है लेट मेच्योरिटी एप्पल की वैरायटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोच रहे हैं डिप्लोइड वैरायटी ऑफ एप्पल आर, ये किसकी होती है? यहाँ डिप्लोइड वैरायटी, ठीक है। अब इसका मतलब समझिंग हो गया, यहाँ जो डिप्लोइड वैरायटी होती है एप्पल की, ये क्या होती है? सेल्फ फर्टाइल होती है, सेल्फ फर्टाइल होती है, ठीक है। डिप्लोइड वैरायटी अगर आप सोच लिया है तो क्या होती है? सेल्फ फर्टाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यूजुअली एप्पल इज ग्रेडेड ऑन, तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेड, तो ग्रेड में डिवाइड क्यों करती है यार? हाँ ग्रेड में जो डिवाइड किया जाता है, ये किया जाता है हाँ उसकी क्वालिटी को चेंजेस करने के लिए, ठीक है। जो क्वालिटी होती है, मान लीजिए सबसे बेस्ट कैटेगरी का ए में रख दिया, उससे कम क्वालिटी बी में रख दिया, इस प्रकार उनके क्या होते हैं? ग्रेडेड में डिवाइड कर दिया जाता है। ग्रेड में डिवाइड करने का एक जो मुख्य बेनिफिट होता है, ये क्या होता है? हाँ ये होता है उसका मूल्य आसानी से निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। किसका तो अच्छा रखा जाए मूल्य, यानी सबसे ज़्यादा किसका रखा जाए, उससे कम किसका रखा जाए, सबसे नीचे किसका रखा जाए, इसलिए उसकी क्या करते हैं? ग्रेड करना जरूरी होती है। और ये जो ग्रेड की जाती है, कितने भागों में की जाती है, कितने साइज़ में की जाती है? ये की जाती है सिक्स साइज़ में की जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है एप्पल की, यानी यूजुअली एप्पल इज ग्रेडेड ऑन, अर्थात किस कितने भागों में इनको वर्गीकृत किया जाता है, ये कैसा है? सिक्स साइज में इनको वर्गीकृत किया जाता है, ग्रेडेड में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पड़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचा है कि डिसकलरनेस ऑफ एप्पल आफ्टर कटिंग इज ड्यू टू, तो किसके द्वारा होती है? ये होती है एंजाइम के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप थोड़ा सा ध्यान समझ लीजिए कि कॉमर्शियली प्रोपोजिटिंग मेथड ऑफ ग्रेप वाइन, अर्थात यहाँ जो अंगूर का जो प्रवर्धन किया जाता है, जो प्रोपोजिशन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? ये कैसा है? हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अंगूर का जो प्रवर्धन किया जाता है, ये कैसा है? हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्का हंस इज ए क्रॉस ऑफ, तो अर्का हंस किसका क्रॉस होता है? ये होता है बेंगलुरु ब्लू इंटू अनाबे शाही होता है। किसका होता है? अर्का हंस, ये होता है बेंगलुरु ब्लू इंटू
अनावे सही का क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेनिंग सिस्टम ऑफ ग्रेपवाइन इन इंडिया, अर्थात यहाँ जो ट्रेनिंग सिस्टम आपने पढ़े होंगे कि कुछ पांडाल भी होता है, बहुत होते हैं, एक टेलीफोन होता है, पांडाल होते हैं, तो उनमें से यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा अर्थात कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम है जिसे यहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया है, अप्लाई इंडिया में अप्लाई किया है, तो कौन सा होता है, ये होता है बोअर सिस्टम होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है अंगूर में सबसे ज़्यादा किस ट्रेनिंग सिस्टम को अप्लाई किया जाता है इंडिया में, तो यह लिया जाता है बोअर सिस्टम को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है विच इज़ यूज फॉर इम्प्रूविंग फ्रूट क्वालिटी ऑफ ग्रेप, यार हाँ ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। तो अगर आप सबसे ले जाते हैं फ्रूट की क्वालिटी को, अर्थात जो ग्रेप्स होते हैं, जो अंगूर होते हैं, तो उसकी फ्रूट क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है 20 ppm जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट आप यही याद रखिए यार, हाँ जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, जिब्रेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है विच फ्रूट इज कॉमनली नोन एज कल्प वृक्ष, अर्थात यहाँ कल्प वृक्ष के नाम से किसान आता है, तो कल्प वृक्ष बोला जाता है यहाँ कोकोनट को बोला जाता है, किसे बोला जाता है कल्प वृक्ष, ये बोला जाता है कोकोनट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जो है केसोनट एंड आलमंड आर रिचेस्ट सोर्स ऑफ, तो किसके होते हैं यहाँ केसोनट और आलमंड होता है, तो ये रिचेस्ट अर्थात यहाँ अच्छे स्रोत किसके होते हैं, ये होते हैं फैट के होते हैं, किसके होते हैं फैट के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं जो कि यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है यार, हाँ इसे आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन, अर्थात यहाँ जो लोहा का अच्छा स्रोत कौन सा होता है, तो ये होता है करौंदा होता है, कौन सा होता है लोहा का अच्छा स्रोत, ये होता है करौंदा होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा इसका वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं।